cost of wheat, which stands at 27 rupees to Food Corporation of India, is provided at 2 rupees. And the cost of rice, which is at 37 rupees to the government, is provided at 3 rupees. This is to 80 crore people. नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया में। और बात करने वाले हैं यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा की गई बड़ी घोषणा की। तो आपको बता दें, मोदी सरकार की ओर से एक भयंकर ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिए जाएगा, यानी कि सबसे सस्ती रेट पर राशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितना आपको राशन मिलता है अब उससे ज़्यादा राशन मिलने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे कि एडवांस में राशन कैसे लेना है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो ये बताना चाहती है कि आप किस प्रकार से इस योजना का फायदा ले सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे ही देश से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसे ही बड़ी खबरें और देश दुनिया से जुड़ी कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारियां सबसे पहले देखने को मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य करेगा अगर वीडियो पसंद आता है, और कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा ये आपको कैसा लग रहा है मोदी सरकार के इस घोषणा के साथ ही। और बताते जाइए कि अपने शहर का हाल की सार लॉकडाउन का पालन कर रहा है या फिर नहीं। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं इस योजना की। तो मोदी सरकार की ओर से प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 27 रुपये प्रति किलो वाला गेहूँ मात्र 2 रुपये प्रति किलोग्राम में और 37 रुपये किलोग्राम वाला चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम में देने का फैसला किया है। इस पर 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये 3 महीने के लिए राज्य को एडवांस में दिया गया है। कोरोना वायरस को देखते हुए, यानी कि जो चीन की तरफ से जो देश में अभी महामारी फैल रही है उसको देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, अब आपको जो पहले 5 किलो चावल मिल रहे थे प्रति इंसान, यानी कि आपके राशन कार्ड में जितने भी नाम है उन सबको 5-5 किलो जो चावल और गेहूं मिल रहे थे, अब उनको बढ़ाकर पहले जो गेहूं मिल रहे थे और अब चावल भी जोड़ दिया गया, यानी कि आप ले सकते हैं अपना जो भी 7 किलो राशन है उसे ले सकते हैं, यानी कि 2 किलो बढ़ा दिया गया है। हर एक इंसान पर 2 किलो चावल और गेहूं, यानी कि राशन में बढ़ोतरी की गई है। तो दरअसल आपको बता दें, आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इसी कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने और प्रकाश जावड़ेकर ने यह फैसला लिया। और आपको बता दें, 3 महीनों तक का एडवांस राशन दिया जाएगा राज्यों को, जहां पर वो राज्य आपके तक ये राशन पहुंचाने में जिम्मेदार होंगे। साथ साथ डीलर्स की भी अहम भूमिका रहने वाली है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि डीलर्स ज़्यादातर राशन अपने पास रख देते हैं और कालाबाजारी करके उसे बेच देते हैं, और गरीबों के पास कुछ भी नहीं बचता है। तो अगर आपके शहर में ऐसा कुछ होता है तो आप सतर्क रहिए, राजस्थान पोर्टल पर जाइए, शिकायत करिए, उनका लाइसेंस उसी वक्त रद्द होगा। आपकी जागरूकता ही आपकी पहचान है। देश में ये जो महामारी फैल रही है इससे बचने के लिए आपको जागरूक बनना पड़ेगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा, घर में रहना होगा, घर से बाहर ना निकले, राशन लेने जरूर निकले, किराने की दुकान, दूध की दुकान, साथ ही ऐसे अन्य विभाग जो आपकी जिंदगी में कुछ खास कार्य करते हैं, और इन विभागों को खुला रखा गया। साथ ही साथ कुछ दुकानें भी खुली रहने वाली है, राशन की दुकान कभी बंद नहीं होने वाली है, साथ ही साथ दूध की दुकान और ऐसी जगह है जहां पर खाने का कुछ भी सामान मिलता हो, ऐसी दुकानें हमेशा के लिए चालू ही रहेगी। जब तक यह बीमारी फैल रही है तब तक स्टार्ट ही रहेगी, और उसके बाद तो वैसे भी सब एकदम सही हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा देश के अंदर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही साथ आगे भी ऐसे ही खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।